तो हेलो व्हाट्सएप में कैसे हो आप लोग। अगर आपको इस टाइप का फोटो एडिट करना चाहते हो या आप बहुत विराट कोहली का फैन हो या लवर हो यार, तो हमारे वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को मिस मत करना गाइस, और दबा के शेयर करना यार जितने लवर है विराट कोहली का या फैन से लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितने लवर है आपके लिए स्पेशल वीडियो बना है यार। आप जितने प्यार करते हो विराट कोहली से उतना खास वीडियो भी बहुत प्यार वाली बनी है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना मिस मत करना गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वेल लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद इस पर प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। ऑल फोटोज पे जाना है। उसके बाद मैं अपनी बैकग्राउंड जो ले लेता हूँ, आज कुछ फ़ोटो है जो मतलब अलग खास कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और मिस मत करना, ठीक है। तो चलते फिर ऐड फोटो में, यहाँ पे अपना फ़ोटो को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ, अपना फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो है, इसको यहाँ पे सेट करूँगा, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट मस्त वाली, थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डन कर लिया, ठीक है, और इसको ओके कर लिया, ठीक है। फिर से जाऊँगा ऐड फोटो में, और एक बैट का पीएनजी है और एक बॉल का पीएनजी, ठीक है। इसको ऐड टू यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बॉल को है कि हम यहाँ बॉल हाथ में सेट करूँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बॉल को और छोटा करूँगा। बस गाइस यहाँ पे छोटा करने के बाद तो इसको मैनेज करूँगा, उसको इरेजर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको साइज को बढ़ा लूँगा, इसको थोड़ा फाइटनेस को बढ़ा लूँगा। उसके बाद जितनी मेरे यहाँ पे हाथ दिख रही उसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है, बॉल से। देख लो कि हमारा ये बॉल सेट हो चुका है। तो इस फिर से इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगा, थोड़ा सा माइनर करेंगे ताकि लगे कि हम बस गाइस इतने अच्छे से करोगे उतने अच्छे मतलब कि सेट होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छे से करना ताकि आपका फोटो जो है परफेक्टली कम बैठ जाए। ठीक है, तो मेरे यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो हाथ में जो बॉल है वो सेट हो गया है। अब क्या करूँगा, जो बल्ला है बल्ले को हाथ में सेट करता हूँ, ठीक है। तो बल्ले पे क्लिक करता हूँ, पहले इस पर डन करता हूँ, फिर बल्ले पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद बैट को थोड़ा घुमा देता हूँ और इसको साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डायरेक्ट ऐसे हम इस बैट को यहाँ पे सेट करता हूँ, उसके बाद सीधा डायरेक्ट इसको मैं कम कर लेता हूँ ताकि पता चले कि हाँ कहाँ से कट करना और कहाँ से नहीं। उसके बाद इसको करने के बाद इरेजर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद अब क्लिक करना और फिर इस पर क्लिक करना और हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है, और इसको हल्का छोटा कर लेना, ठीक है। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करके इसको हटा देंगे, उसके बाद जूम कर इसको आराम से हटा देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बैट को हम सेट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बैट अच्छे से एकदम पूरा फुल्ली सेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डन करता हूँ। अब डन करने के बाद यहाँ पे कुछ पीएनजी है आईपीएल का, वो भी मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये आईपीएल का पीएनजी है और एक लोअर, ठीक है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो है इसको मैं ऊपर साइड में करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे साइड में सेट कर दिया। उसके बाद जो आईपीएल है आईपीएल का मैं आईपीएल ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे लगेगा,
तो जहाँ आप देखना, जहाँ आपका फ़ोटो में खाली दिख रहा है वहाँ पे आप लगा देना, ठीक है, ताकि जो फ़ोटो है एकदम मस्त वही लगे। इसको अगर कम करना तो गाइस आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। फिर से इसको डन कर देता हूँ और एक रेड कलर की स्मोक है उसको मैं लेकर फ़ोटो में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर की स्मोक है, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और इसको मैं जाऊँगा उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से छोटा करके मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे कितने से एकदम मस्त वाइब हो रही है, एकदम बराबरी करना, ठीक है। तो बस आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोटो जो है कितना मस्त लग रहा है। और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जितना मतलब फेस पे फालतू होगा उसको मैं हटा दूंगा, शायद फेस पे आया हो, कि मुझे लग रहा है कि फेस पे नहीं आया है, बट अपने से क्या होता है कि नहीं, खुद से करना ज़्यादा बेस्ट होता है कि फेस पे जितने हटा दूँ, ठीक है। तो हमारा ये फेस पे हट चुका है, इसको डन करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, बचा हुआ यही कि थोड़ा लाइट और थोड़ा अच्छे से दम कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा दें। तो गाइस इसमें अब पिक्सआर्ट में जितना सारा काम था वो मैंने कर लिया और बाकी सब काम लाइट रूम में करूँगा। तो गाइस चलते हैं लाइट रूम में, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करना है तो ड्रा में जाकर सेव करना है, तो बस तीन डॉट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव इमेज पे क्लिक कर दूँगा। तो गाइस इसको सेव होने दो, तो गाइस सेव हो गया। तो फिर मिलते हैं लाइट रूम में, चलो गाइस। तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोटो जो है लाइट रूम में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना कलर एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट पे आप देखना है कि यहाँ पे हाईलाइट का ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। इसको कम बेसी करके आप मिला सकते हो, ठीक है। तो हाईलाइट ज़्यादा नहीं, मीडियम रखूँगा और शेडो को थोड़ा बढ़ा के रखूँगा, या मतलब ज़्यादा लाइट थोड़ा यहाँ पे कम करूँगा, लाइट थोड़ा कम पड़ जा रही है। तो इसको एकदम हल्का सा बढ़ा के रखूँगा ताकि फोटो एकदम मस्त वाली हो। वाइटनेस को देख लेता हूँ कि क्या चाहिए या नहीं चाहिए, इसको बढ़ा के मैं देख लेता हूँ, हल्का सा चाहिए। और ये ब्लैक है जो कि हमारा फोटो जो ब्लैक ज़्यादा कुछ होता है कि वाइट वाइट, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो डार्क करने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होगा, तो हमारे फोटो ना डार्क नहीं करना है, तो इसको मैं मीडियम रखता हूँ। तो गाइस अब इसमें क्या करना है कि हाँ इसका काम तो हो गया, अब जाते हैं इसको कलर करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट उसके नीचे एक बटन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ मिक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रेड का काम करना है, ठीक है। रेड आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेड, अरे भाई गल सकता क्यों नहीं है ये, आप देख सकते हो जितना आप करोगे उतना रेड होगा, ठीक है। यहाँ इधर करोगे तो ऑरेंज होगा, तो ज़्यादा नहीं रखना, बस मीडियम रखना है, फोटो के हिसाब से रखना है, ठीक है। ये मतलब वाइट करेगा और ये डार्क करेगा, ठीक है। वो जितना चाहिए आप रखना, तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो सब पूरा टोटली काम हो रहा है। आप अच्छे से वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट अच्छी वाली बनने वाली है और वीडियो एकदम मस्त वाली। तो गाइस इस सब एडिट का काम तो हो गया, अब इस पर ब्लू पे क्लिक करता हूँ। गाइस अपना फोटो के हिसाब से जो कलर है करना, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे तो हो चुका है, और इसके बाद अब क्या करना है, फेस थोड़ा, फेस पे अब थोड़ा डिपेंड करता है फेस किस टाइप का आपका, वाइट तो वाइट बहुत ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और सबसे लास्ट वाला यहाँ पे इसको, देखो गाइस हमारा फेस थोड़ा लाइट हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फेस एकदम मस्त वाली हो गई है। अब आप चाहता रखना तो और इसको बढ़ा सकते हो, तो गाइस देखो यहाँ पे वाइट भी हो रहा है, जितना आपको चाहिए उतना कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे डन हो गया, मतलब डन करता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ पे डन किया, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे अब थोड़ा कुछ कलर करूँगा, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला को जो लास्ट वाला है इसको मैं यहाँ से, सॉरी गाइस थोड़ा तो हाथ बहुत मेरा पसीसता है यार, इसलिए बटन काम नहीं कर रहा है। तो इसको हटने से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैनर रखूँगा,
इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगा ताकि फ़ोटो को डार्कनेस जो है बढ़ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी को ध्यान दूंगा। ठीक है, इस पर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लैरिटी को बढ़ा लूँगा ताकि मेरा फ़ोटो जो है मस्त लगे। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा ध्यान दूंगा, तो ज़्यादा नहीं, मीडियम रखना है। उसके बाद गाइस तो फेस को थोड़ा स्मूथ करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वाला पे क्लिक करके इसको आराम से बढ़ा लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फेस तो इसको हम स्मूथ करने के लिए काम करता है, बहुत अच्छा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फेस जो है कितना अच्छे स्मूथ हो चुका है। देखो गाइस, ठीक है, तो गाइस अब इसमें क्या करना है ना कि आपको इसको फोटो को सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए आपको इस तीन डॉट पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस। ठीक है, इस सेव टू डिवाइस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, तो गाइस अगर आप RCB का फैंस हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दबा के शेयर करना जितने लवर हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।